हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, एक भाई का कमेंट है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भाई का कमेंट है कि रॉक्सी डीजे सेटअप चाहिए, जिस सेटअप के अंदर RCX 625 मॉडल का दो टॉप चाहिए और RSW 800 मॉडल का दो सिंगल बेस चाहिए। इस सिंगल बेस को चलाने के लिए 1600 वाट्स का मोनो एम्पलीफायर हमें चाहिए और टॉप को चलाने के लिए 1200 वाट्स का मोनो एम्पलीफायर चाहिए। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसी डीजे सेटअप के बारे में बात करेंगे कि इस सेटअप को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इसका कनेक्शन करेंगे ताकि इन फ्यूचर आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, और इस सेटअप को टोटल को कंप्लीट करने में कितना में कॉस्टली प्राइस लग जाएगा, जैसा कि भाई का सवाल ऐसा ही था। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसी टॉपिक पर बात हम करेंगे, जो कि रॉक्सी सेटअप काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का होता है, रॉक्सी एम्पलीफायर हो या टॉप हो, सुपर क्वालिटी का बजता है। तो सारा कुछ डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग को उसका यूजर आईडी आप लोग को स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। दोस्तों वहां पर भी मैं एक्टिव रहता हूं, आपके मन में जो भी साउंड सिस्टम से रिलेटिव सवाल रहेगा तो आप लोग DM यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रॉक्सी प्रोफेशनल लाउड स्पीकर सिस्टम के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को RCX 625 देखने को मिल जाएगा, जिसका इनपुट पावर आप लोग को 600 वाटेज RMS में देखने को मिल जाएगा और इसका पीक वैल्यू आप लोग को 1200 वाटेज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, ये रॉक्सी के तरफ से काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का 600 वाटेज का आप लोग को टॉप देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को 15 इंची का दो स्पीकर फिट किया गया है, प्लस में HFB है। तो गाइस यार, इस टॉप के अंदर से आप लोग को मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी सुपर क्वालिटी का सुनने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी दूर तक इसका साउंड क्वालिटी जाएगा। इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 35 से 16000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। इसका सेंसिटिविटी आप लोग को 101 dB देखने को मिल जाएगा और इस टॉप का इंपेडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो स्पीकर 15 इंची का है तो इसलिए इसका इंपेडेंस 4 ओम हो जाता है। तो आप लोग इसे 4 ओम पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस यार, इस टाइप के हमें दो टॉप चाहिए। गाइस यार, अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में हमें बेस भी चाहिए जो कि रॉक्सी का होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम रॉक्सी का सबवूफर सिस्टम स्पीकर लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को RSW 800 देखने को मिलेगा, जिसका पावर रेटिंग आप लोग को 800 वाटेज RMS में देखने को मिलेगा और इस बेस का पीक वैल्यू आप लोग को 1600 वाटेज देखने को मिलेगा। यानी ये 800 वाटेज का सिंगल बेस है, लेकिन आप लोग इसे 1000 वाटेज और 1200 वाटेज का भी एम्पलीफायर से पावर देकर इसे चलाइएगा, तो आपका सिंगल बेस का स्पीकर का कॉइल बिल्कुल ही नहीं जलेगा, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू यानी प्रोग्रामिंग पावर। इसके इंपेडेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका इंपेडेंस आप लोग को 8 ओम देखने को मिलेगा और इसका सेंसिटिविटी आप लोग को 99 dB देखने को मिलेगा और इस बेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 30 से 1500 वाटर्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी दूर तक इसका बेस फ्रीक्वेंसी जाएगा। इस सिंगल बेस के अंदर 18 इंची का एक ही स्पीकर लगा है, जो कि सुपर क्वालिटी का पंच और वाइब्रेशन आप लोग को दे देगा। तो गाइस यार, इस टाइप के सेटअप में हमें इस टाइप का बेस, दो बेस चाहिए। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि इस सिंगल बेस को और टॉप को चलाने के लिए कि हमें 1600 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर चाहिए बेस को चलाने के लिए और 1200 वाटेज का एम्पलीफायर चाहिए टॉप को चलाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हम रॉक्सी का मोनो एम्पलीफायर लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को MX 1200 देखने को मिल जाएगा, जिसका पावर आउटपुट आप लोग को 1200 वाटेज RMS में देखने को मिल जाएगा और 1300 वाटेज इसका मैक्स पावर देखने को मिल जाएगा। यानी ये 1200 वाटेज का एम्पलीफायर है, लेकिन आप लोग इस पे 1300 वाटेज तक का लोड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे भाई लोग 1200 वाटेज के एम्पलीफायर पे 1500 और 2000 वाटेज तक का भी लोड डाल सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो, लेकिन गाइस ये रॉक्सी कंपनी का है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और लोडेबल ये एम्पलीफायर होता है। आप लोग इस पर हैवी वाटेज का लोड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो डाउट आप लोग इस पर चला सकते हैं। इसके स्पीकर आउटपुट में आप लोग को 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टॉप यानी स्पीकर कनेक्शन के लिए। अगर आप लोग इसमें हॉर्न चलाना चाहते हैं यानी ड्राइवर यूनिट, तो 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइन वोल्ट वाला आप लोग इसमें यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस यार, कैसे इसमें टॉप में कनेक्शन करना है इस वाले एम्पलीफायर पे, सारा कुछ डिटेल आप लोग को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि बेस को चलाने के लिए एक ऐसा ही एम्पलीफायर हमें चाहिए।
तो गाइस यहाँ पर हम बेस को चलाने के लिए रॉक्सी का ही मोनो फाइली है, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को RPA1601 देखने को मिल जाएगा, जिसका पावर आउटपुट आप लोग को 1600 वाटेज RMS देखने को मिल जाएगा और इसका मैक्स पावर 1650 वाटेज देखने को मिल जाएगा। यानी 1600 वाटेज का एम्पलीफायर है, लेकिन आप लोग इस पे हैवी से वाटेज का भी लोड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस एम्पलीफायर के स्पीकर आउटपुट आप लोग को 2 ohm, 4 ohm और 8 ohm का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी आप लोग इसे 8 ohm वाला स्पीकर भी चला सकते हैं, जो कि सिंगल स्पीकर का भी आप लोग टॉप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग को 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का लाइन कनेक्शन के लिए भी ऑप्शन इस वाले एम्पलीफायर में भी मिल जाता है। तो गाइस यार इस एम्पलीफायर के नेट वेट आप लोग को 29 kg 100 ग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हैवी वजन का एम्पलीफायर है। तो आप लोग इस पे हैवी से हैवी वाटेज का बेस स्पीकर चला सकते हैं। कैसे इसका कनेक्शन करना है अभी आप लोग को मालूम चलेगा। गाइस यार अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में कैसे कनेक्शन करेंगे, किस वाले एम्पलीफायर पे टॉप चलाएंगे और कैसे कनेक्शन करेंगे ताकि इन फ्यूचर आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। तो गाइस यहाँ पर हम टॉप को चलाने के लिए 1200 वाटेज का एम्पलीफायर लिए हैं, जो कि मोनो एम्पलीफायर है। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो टॉप 4 है 600 वाटेज का और है, तो दो टॉप को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर 600 1200 वाटेज हो जाएगा और एक टॉप का इंपेडेंस 4 ओम है। तो जब हम दोनों टॉप को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो 4 ओम से डायरेक्ट हो जाएगा 2 ओम और उसका वाटेज 1200 वाटेज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा 1200 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर है तो काफ़ी ये बेहतरीन क्वालिटी का है। तो गाइस यार इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि जो दोनों टॉप का रेड वायर है उसको आप लोग को लगा देना है 2 ओम पे, और गाइस जो इसका ब्लैक वायर है उसको आप लोग को लगा देना है COM पे। एम्पलीफायर के बैक पैनल पे आप लोग को कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार इस स्टेज से आप लोग इस पे कनेक्शन करके इजीली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि बेस का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा बेस का इंपेडेंस हो रहा है 8 ओम इंपेडेंस का हो रहा है और उसका वाटेज 800 वाटेज हो रहा है। तो जब हम दो बेस को पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी रेड रेड वायर एक में और ब्लैक ब्लैक वायर एक में, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो 8 ओम से डायरेक्ट हो जाएगा 4 ओम और उसका वाटेज हो जाएगा 8 × 1600 वाटेज। तो गाइस यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा 1600 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर लिए हैं उस पर आप लोग को क्या करना है, उसके बैक पैनल पे आप लोग को 2 ओम 4 ओम और 8 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और COM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार जब दोनों बेस का रेड वायर आप लोग को क्या करना है, लगा देना है 4 ओम पे और जो उसका ब्लैक वायर है उसको आप लोग को लगा देना है कॉमन पे यानी COM पे। तो इस टाइप से आप लोग 1600 वाटेज का जो एम्पलीफायर है उस पर आप लोग दो बेस चला सकते हैं, जो कि 800 वाटेज का बेस आपका हो रहा है तो दो बेस का लोड 1600 वाटेज हो जाएगा और 1600 वाटेज एम्पलीफायर भी निकाल कर दे रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को पंच भी मिल जाएगा और वाइब्रेशन भी मिल जाएगा, ना ही आपके एम्पलीफायर में प्रॉब्लम होगा और ना ही आपके स्पीकर में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस यार इस टाइप से आप लोग कनेक्शन करके इजीली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस यार अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेटअप में टॉप का प्राइस कितना हो जाएगा, बेस का प्राइस कितना होगा और दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना हो जाएगा। तो गाइस यार टॉप के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो एक टॉप का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 18,000 से 20,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि रॉक्सी का कोई भी कंपनी का ऑनलाइन प्राइस मेंशन नहीं किया जाता है। तो आप लोग इसका एक्चुअल प्राइस किसी भी डीलर के पास जाइएगा अपने नज़दीकी, तो वहाँ पर ही मालूम चलेगा। लेकिन गाइस हम इसका केवल अप्रोक्स प्राइस ही बता रहे हैं कि इसके वाटेज के अनुसार से और टॉप के हैवी के अनुसार से आप लोग को इतना ही प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। तो गाइस यार आप लोग 18 से 20,000 के अंदर में एक टॉप ले सकते हैं। बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 25 से 26,000 के बीच में मिल जाना चाहिए। और गाइस जो रॉक्सी का MX1200 वाटेज का एम्पलीफायर है उसका प्राइस आप लोग को 23 से 25,000 के बीच में मिल जाना चाहिए। और गाइस जो 1600 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर है इसका प्राइस आप लोग को 24 से 28,000 के बीच में मिल जाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम जितना भी प्राइस बताए टोटल आप लोग को अप्रोक्स प्राइस बताए, हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइस 2-4-5,000 किसी भी प्रोडक्ट का ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, तो आप लोग वहाँ पे अपना मैनेज कीजिएगा, क्योंकि गाइस रॉक्सी का कोई भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्राइस मेंशन नहीं किया जाता है। तो गाइस सर आप लोग जब इस सेटअप को इस वीडियो के माध्यम से लेने जाइएगा किसी भी डीलर के पास जो रॉक्सी का ब्रांड बेचता हो, तो वहाँ पर ही आप लोग को क्लियर इसका प्राइस मालूम चल जाएगा। बाकी गाइस ये सेटअप कैसा है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, इस सेटअप के अंदर क्या फॉल्ट है क्या कमी है आप लोग अपना राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस सर अगर आप लोग इस टाइप का सेटअप लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग इस टाइप के सेटअप को ले सकते हैं, जो कि रॉक्सी का 600 वाटेज का टॉप है, सुपर क्वालिटी आप लोग को साउंड निकाल कर दे देगा, क्योंकि यह कंपनी का फिटिंग टॉप है तो अदर कंपनी के जो लोकल कंपनी का क्वालिटी का टॉप होता है उसके मुकाबले काफ़ी ये बेस्ट क्वालिटी का बजेगा, जो कि रॉक्सी का एक ब्रांड क्वालिटी का टॉप होता है, जो कि इसमें आप लोग को मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी भी मिल जाएगा और एम्पलीफायर भी काफ़ी आप लोग को लाउडनेस आवाज़ निकाल कर दे देगा।
दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।